एनिमल तो झांकी है, असली बॉबी की कहानी बाकी है। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर यही स्लोगन ट्रेंड कर रहा है। हर कोई बॉबी देओल की आने वाली फिल्मों पर प्यार लुटा रहा है। यानी बॉबी देओल का जो एनिमल से कमबैक हुआ है, इतना शानदार हुआ कि बॉबी देओल भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली बॉबी देओल ने जब से कमबैक किया तब से वो हर जगह छाए हुए हैं। उनकी सेकेंड इनिंग बहुत ही शानदार साबित हो रही है। हर मेकर्स की पहली पसंद बनते जा रहे हैं बॉबी देओल। साउथ में, नॉर्थ में हर तरीके से उनको अप्रोच किया जा रहा है और बहुत ही चुन के सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि फिल्मों में, साउथ इंडियन लैंग्वेज में, OTT में, हर जगह वो डिमांड में पॉपुलर बने हुए हैं। ऐसे में अपनी आसमान छूती पॉपुलरिटी के मद्देनजर बॉबी देओल ने जिन फिल्मों को चूज किया है बहुत ही तगड़ी होने वाली है। हर मूवी में बॉबी देओल का किरदार बहुत ही डिफरेंट है, एंटी है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग भी है। तो चलिए बात करते हैं उन फिल्मों की जिससे बॉबी देओल साउथ में, बॉलीवुड में, OTT में गर्दा उड़ाने वाले हैं। नंबर एक पर नाम आता है कंगुआ का। कंगुआ से बॉबी देओल साउथ इंडिया में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस मूवी का टीजर आ चुका है, जिसने बॉबी का खूंखार रूप देखा है वो चौंक चुका है। इसमें बॉबी के अपोजिट सूर्या है और बहुत सारा बाहुबली का कांतारा का फ्लेवर भी दिखाई देता है। नंबर दो पर आती है NBK 109, यानी नंदमुनि बालकृष्णा 109। ये बालकृष्णा की 109वीं मूवी का नाम है जो कि टेंटेटिव है। इसमें भी वो निगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं। इस मूवी का टाइटल फिलहाल फाइनल नहीं है, बट इस मूवी को रविंद्र बॉबी डायरेक्ट कर रहे हैं। कहा जा रहा है बालकृष्णा के सामने जो भी विलन बनता है बहुत ही शानदार अपील का होता है। अभी तक बालकृष्णा के सामने जो लोग विलन बने हैं, फिर चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, जगपति बापू हो, सबके सब अप्रिसिएट हुए हैं। अब बारी हमारे लॉर्ड बॉबी की है। इसके बाद नाम आता है स्टारडम का, जो कि शाहरुख खान की फैमिली मूवी है। उनके बेटे आर्यन खान डेब्यू करने वाले हैं। इसमें आर्यन खान बतौर डायरेक्टर डेब्यू करेंगे, जिसमें बॉबी देओल नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि स्टारडम में बॉबी का रोल बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। वैसे भी बॉबी को लेकर शाहरुख खान पहले एक सीरीज बना चुके हैं, ऐसे में पेबैक की बारी है। बॉबी उनके बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल इस सीरीज का, इस मूवी का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। इसके बाद नाम आता है हरी हरी वीरा मल्लू का, जो कि पवन कल्याण की मूवी, लंबी टाइम से सुर्खियों बनी हुई है। इस मूवी को लेकर बीच में खबर आई थी कि मूवी बंद हो चुकी है, लेकिन बॉबी देओल ने सारे अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वो हरी हरी वीरा मल्लू में काम कर रहे हैं। मजे की बात है कि बॉबी इस मूवी में मुगल सम्राट औरंगजेब के रोल में नजर आने वाले हैं। अगर बॉबी को औरंगजेब के रोल में देखेगा तो पब्लिक को बहुत ज्यादा स्पेशल फील आएगी, बिकॉज निगेटिव रोल में बॉबी देओल आजकल कहर ढा रहे हैं। तो ये थी कुछ बड़ी फिल्में जो बॉबी देओल कैरियर में चार चांद लगा सकती हैं। कुछ नेगेटिव हैं, कुछ स्टारडम की तरह बहुत ही पॉजिटिव हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा एंटी डार्क हीरो वाली मूवी हैं, जैसे कंगुआ। ये सारी फिल्में तो बॉबी देओल कैरियर को स्टारडम के बहुत आसमान पर लेकर जाएंगी, लेकिन कुछ फिल्में और हैं जो उनकी स्टारडम को पुश करेंगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गदर में और बॉर्डर में भी उनकी एंट्री हो सकती है। बहरहाल उनकी बातें आने वाले टाइम के वीडियो में करेंगे। बहरहाल इन सारी फिल्मों का वेट करते हैं और बॉबी देओल के मैजिक से फिर से एंटरटेनमेंट की पूरी बहार देखते हैं। बहरहाल आप कमेंट बॉक्स बताइए आपको इन सारी फिल्मों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट कौन सा लगता है।